हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के डेली डोज में हम देखने वाले हैं कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है और आइसोक्रोन लाइन क्या होती है ठीक है ये देखेंगे ठीक है ये आपका कैचमेंट है तो टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि आपके कैचमेंट का ये कोई फारद पॉइंट है, है ना है ना और ये ये मान लो ये आपका ये आपका कैचमेंट इस पॉइंट पे आके क्या कर रहा है कैचमेंट पानी कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी स्ट्रीम को ठीक है किसी स्ट्रीम को पानी कंट्रीब्यूट कर रहा है यहां पे आके ठीक है तो अगर कोई एक पानी की बूंद यहां गिरती है ठीक है तो वो जो समय लेती है इस पॉइंट तक आने का उसको बोला जाता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सिंपल सी बात है है ना ये टाइम जो फार्थेस्ट पॉइंट से पानी की बूंद लेती है यहां तक आने के लिए उसको बोला जाता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्लियर हो गई बात है ना और यही सारे पॉइंट्स को है ना जिनका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मान लो मान लो यहां पे ये, ये है ए बी सी डी ई ठीक है और ये सारे पॉइंट्स का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सेम है ठीक है मतलब अगर पानी की बूंद ए में गिरती है बी में गिरती है सी में गिरती है डी में गिरती है ई में गिरती है कहीं भी गिरती है इन पांचों पॉइंट में तो उसको यहां तक आने में सेम समय लगता है ठीक है तभी मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो इन पांचों पॉइंट का टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सेम है, तो अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन इन पांचों पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो वही लाइन क्या कहलाएगी आईसो एक मिनट वही लाइन क्या कहलाएगी वही लाइन कहलाएगी, कहलाएगी? आइसो क्रोन लाइन समझ में आई बात समझ में आई बात टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है और आइसोक्रोन क्या होता है ठीक है ऐसे ही पूरी चीजें डिटेल में पढ़ने के लिए है ना और गेट गेट 2023 को अगर आपने अपना टारगेट बना लिया है कि मुझे भाई इस बार कुछ फोड़ना है कुछ करके दिखाना है तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं हमारा प्रतिज्ञा बैच ठीक है अगर आपने ये प्रतिज्ञा ली है कि नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगा है ना गेट 2023 में मैं अच्छा रैंक ला के दिखाऊंगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्रतिज्ञा बैच आज ही प्रतिज्ञा बैच ऑनलाइन है आप हमारे ऐप से भी इसको परचेज कर सकते हो या आप वेबसाइट्स पे जाके परचेज कर सकते हो क्लासेस कब स्टार्ट होगी तो प्रतिज्ञा बैच की स्टार्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी ट्वेंटी सिक्स मे से ठीक ट्वेंटी सिक्स में से ठीक है क्या क्या सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो पहला होने वाला है RCC, है ना कौन लेगा तो ये अमित सर लेने वाले हैं हैं अमित जरोला सर लेने वाले ठीक है थीके? और सब्जेक्ट होगा आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस जो कि हमारे अपूर सर लेने वाले हैं ठीक है थीके? जो कि अपूर सर लेने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस ओके तो दोनों सब्जेक्ट बढ़िया से स्टार्ट होंगे बढ़िया से बेस बनेगा आपका तैयारी सुपर रहेगी ठीक है और इसमें साथी साथ ही साथ साथ ही साथ आपको प्रतिज्ञा में और क्या मिल रहा है तो आपको रिकॉर्डेड लाइब्रेरी अलग से मिल रही है रिकॉर्डेड लाइब्रेरी में क्या होगा सर तो रिकॉर्डेड लाइब्रेरी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे बहुत सारे फैकल्टीज के ठीक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा मेरा भी रिचा मैम का भी मिल जाएगा ठीक है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी मिल जाएगा इरिगेशन मिल जाएगा बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको ठीक है तो अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो है ना या आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरा नंबर है सेवन एट टू एट सिक्स जीरो नाइन फाइव एट जीरो ठीक है है ना मेरा नाम है मुकुल और या फिर आप हमारे कस्टमर केयर को भी बात कर सकते हो है ना या मेरे से भी कर सकते हो अगर आप है ना कोई पर्सनल बात करनी है या कुछ दुविधा आ रही है तैयारी में है ना या अभी एम बनाया है या दो एग्जाम को एम बनाया है है ना या सरगेट नहीं हो पा रहा है तो भी ठीक है तो भी कोई अल्टरनेटिव देखेंगे आपके लिए है ना तब भी कोई बेस्ट चीज करेंगे आपके लिए ठीक है तो कोई भी हो बात करो बात करने सॉल्यूशन निकलता है है ना जरूरी नहीं है कोर्स ही लेना है आपको ठीक है है ना तो अपन ऐसी भी बातें करेंगे ओके चलिए ऑल द बेस्ट बस लाइफ में कुछ अच्छा करना है कुछ बढ़िया करना है है ना और फिर लाइफ भर फिर पूरी लाइफ चिल करना है और क्या ठीक है ओके बाय स्टूडेंट्स